वशतके ब्रेक अंची रंग दंचो के सारी अवर्ची मन इज्जत पुष्टा ज्यादा गोली चारू कामी अपर नक पगाया छिए के मन अर भी लाती सूझ सरपदी देगी बांदा भाई मार अर भी चुक्की भी छिए बिकनी चो तरबियत बिकनी चो एन स्कूल अर आ बिदी चो ने स्कूलिंग बिकनी चो लोगे तो का मेक चक्कर स्कूल अंच डायरी ब्रे चुक स्कूल 5 घंटा ओदी रोचेदा लेकिन लोगे तो का गेश अंच गेश वहादा तो लोगे तो का मात पिता नी भी लाते फराइज बन चुकी सरगो ये सिस्टम है तो का हर कसी उती किरदार हम ग्रंथी किरदार में हम ग्रंथी हर कसी अगर हर कोई अपना किरदार ही बच्चों के लाइफ में सही से निभा सके तो भी बच्चा अच्छा मतलब अच्छी तरबियत से अच्छी तालीम से आगे बढ़ सकता है ना। और सर इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे आपने एजुकेशन प्लस एक्टिविटीज़ की बात की, तो एजुकेशन के साथ एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी है ठीक है, और उस तरफ आपने कैसे सोचा कि बच्चों अब मतलब ये जो स्टडी सिस्टम है पढ़ाई की जो सिस्टम है उसको इस तरफ कैसे हम लोग इतना इंटरेस्टिंग बनाए मतलब? असल में देखें जब जो है हम लोग ने अपनी स्कूलिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म की तो हमने ये गैप देखा और आप यकीन माने मैंने जो है आज तक जो है कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कहीं जो है एप्लीकेशन नहीं लिखी हुई जॉब के लिए, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं ये सोच चुका था कि मैंने जो है भाई जनाब एक तालीमी इदारा खोलना है और जो है पहले मैंने टीचिंग की, फिर टीचिंग के बाद एडमिनिस्ट्रेटर बना, फिर उसके बाद जो है एक इदारा जो है उसको तश्कील दिया, और उसका मेन मोटिव और विजन यही था कि बच्चों को जो है गैर निसाबी सरगर्मियों में एक्टिव करना है। क्योंकि जो है अगर बच्चा जो है बहुत ही काबिल क्यों ना हो, बहुत ही जो है अच्छा पढ़ने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगेन जब हम उसको स्कूल से बाहर निकालते हैं, कॉलेज के बाहर निकालते हैं, तो उस पर कई कमी पेशियाँ होती हैं, उसकी पर्सनैलिटी मुकम्मल नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कभी उन्होंने एक्सप्रेस किया ही नहीं होता है, उन्होंने जो है उन चीज़ों पर जो है वर्किंग ही नहीं की होती है, स्कूल वालों ने नहीं की होती है, टीचर्स ने नहीं की होती है, वालदेन ने नहीं की होती है, बच्चे क्या करे, बच्चा पढ़ लिख तो गया, अब जो है वो उसको जो है एक्सप्रेस कैसे करे, उसके पास तो वो जबान ही नहीं है कि जो है वो जो उससे सीखा है वो सामने जो है डिलीवर कर सके। तो यही एक कमी थी, पहले मुझे फील होती थी मैं बड़ा शाय था, मैं जो है किसी एक बंदे को जो है भाई जवाब नहीं दे पाता था, और जब मैं किसी फीमेल के साथ इंटरेक्ट करता था तो पहले तो यूं था, तो यहाँ पे मेरे में भी पसीने शुरू हो जाते थे। पास्ट है आपको और मेरा, जो आपकी फितरत है कैसे मिलती है ये कह रहे भाई, मैं भी पहले हम लोग पढ़ने से थक जाते थे, मैं तो पढ़ती ही नहीं जी, मैं तो इतनी थक जाती थी। 80% लोग ऐसे ही हैं। हाँ जी। अच्छा, जो नईम भाई ने जैसे तस्करा किया कि भाई नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी हैं, जैसे आपने भी पूछा, तो ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे थे डिबेट के हवाले से, तो आप एक मतलब सराउंडिंग में हम ये देखें ना कि अगर डिबेट जो डिबेटर है ना जिसे बोलना आता है, अच्छा डिबेटर जो है वो आप देखें कि आजकल अच्छा डिबेटर चाहे वो मेल या फीमेल है अमूमन चैनल्स पर आपको दिख रहा होगा, कोई मॉर्निंग शो में या कोई किसी इसमें, तो ये असल में वो डिबेटर जो है ना उसको बोलने की फन आ गया है कि वो अब वो जब बोलने का उसे फन आ गया है, उसके अंदर की अपनी एक जो शर्म थी वो ख़त्म हो गई है कि मैं पब्लिक को फेस कैसे करूं। असल में देखें को करिकुलर एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन क्या है, ये मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पर यह है कि आपके अपने अंदर की जो शाय है ना वो आपकी अपनी शर्मिंदगी जो है आपको जो आपके सामने पब्लिक खड़ी है उसको कैसे आप फेस करोगे, बस अगर आपको ये फेस करना आ गया तो आपकी कामयाबी शुरू हो गई। अच्छा, अक्सर मैं ये बात करती हूँ कि हम में बहुत से हमारी यूथ में बहुत से यूथ ऐसे हैं जिनमें टैलेंट तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे कि आपने कहा वही शायनेस है, वो थोड़ा सा शाय हो जाते हैं, हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं और बात नहीं कर सकते जैसे कि हम पहले थे, मैं पहले थी। ये बहुत अच्छी बात की आपने, पहले जो मेरी मेरे घर में क्योंकि बंद माहौल था, मैं घर में ही रहती थी और स्कूल में वही टीचर जो टीचर होते हैं नॉर्मली जो टीचर होते हैं जो अच्छे टीचर होते हैं ना यहाँ पे वो मैं नॉर्मल टीचर थे, नॉर्मली जो हमारी टीचर होती है ना अम्मियों की तरह मतलब माँ का किरदार अदा कर रही होती है, जैसे अम्मी मार रही होती है वहाँ पे वो मार रही होती है। तो मैं कोचिंग सेंटर में थी और मैं मैट्रिक क्लास में थी लेकिन मुझ में बोलने का बिल्कुल भी मेरे सलाहियत नहीं थी, तो मैं जब अबू के साथ कहीं जाती थी और मैं अपने टीचरों को देखती थी ना मैं अबू को छोड़ के भाग जाती थी और मेरे को गुस्सा होते थे कि आखिरकार, और अगर मैं वहाँ पे अगर हम लोग जाते थे पेरेंट्स मीटिंग होती थी कोई हम लोग जाते थे तो मैं नहीं बात कर सकती थी,
तो मेरे अब्बू बहुत परेशान रहते थे, मैं खुद भी परेशान रहती, मुझसे बात नहीं होती, हालांकि मैं अपने घर में बोलती हूँ. लेकिन जब एक चैनल में आई, यहाँ पे आई, तो शुरू में तो ऐसा ही हुआ, लेकिन अब देखें कि खुद ब खुद लव्ज आते जाते हैं, टॉपिक पे बात होती रहती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक एक्टिविटी शुरू हो गई मेरी लाइफ. यही चीज हम करवाएंगे इंशाल्लाह, आने वाले जो है नस्ल को पहले से ट्रेन करेंगे. ये चीज पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे थी. यूनिवर्सिटी में जब बच्चा आता था ना, तो टीचर उसको जबरदस्ती बोलता था, नहीं प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन देनी है तुम्हें. अब वो बच्चा जब शुरू में आता था, वो पहले खड़ा हो रहा है, प्रेजेंटेशन बच्चों को देख रहा है, थोड़ा सा अच्छा. बहुत से लोग क्या, बच्चे क्या करते थे, हम लोग जब यूनिवर्सिटी लाइफ में थे, हम लोग देखते थे कि जब आया था लड़का, हम लोग पहले अपनी प्लानिंग कर लेते, इसको फंसाएंगे. अब जो आया कोई लड़का या लड़की, अब उसमें बहुत से लोग ऐसे होते थे कि जो मतलब अगर स्लाइड की तरफ देख रहे हैं, तो बस स्लाइड की तरफ देख के पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, मतलब उनमें फेसिंग ही नहीं है. या अगर टीचर ने बोला इधर देखो, तब इधर देखा तो पब्लिक को नहीं देख रहे, बस नीचे जमीन में देख के पढ़ रहे. असल में ये आपके अंदर जो एक वो ताकत है ना, जो फेस करेगी, वो इसको डेवलप करना है. ये जब आपके अंदर डेवलप हो जाएगी ना, तो आप फिर हर चीज़ कर सकते हैं. अब ये चीज़ें देखें, स्कूल्स में भी आ रही हैं, स्कूल्स में भी प्रेजेंटेशन सिस्टम आ गया है, स्कूल्स में भी प्रेजेंटेशन हो रही हैं, और इसको जो है ना, ये क्लास वन से होनी चाहिए. क्लास वन से बच्चे को आप थोड़ा अच्छा, थोड़ा प्रेजेंटेशन थोड़ा, आप कह रहे हैं कि ओरल में होना चाहिए, ताकि बच्चा कुछ बोल सके. देखें पहले अगर हम अपने थोड़े से बचपन में चले हैं ना, उसमें देखें कुछ टीचर्स ऐसे होते थे कि आपको बुलाते थे और किताब लेके आ जाओ, किताब लेके फिर आपको बोलते थे ब्लैक बोर्ड की तरफ खड़े हो जाओ और पढ़ो. तो हम लोग किताब लेके ना, बहुत से टीचर वो रीडिंग कर रहे होते थे, उसमें हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा होता था, ठीक है. अब बाकी सब बच्चे भी मोहतात होते थे, टीचर कहीं भी पैराग्राफ पे रुकाएगा, किसी को भी बुला लेगा, वो भी हम लोग खुद भाई बुक्स के अंदर देखते हैं, बस कहां रुकेगा. जगहों पे ये चीजें नहीं है, नहीं. अब क्या है, बस टीचर आया, खत्म हो गई. अब जिस दौर में रीडिंग हो रही होती थी, उस वक्त बच्चे की रीडिंग उर्दू अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी. आजकल बच्चों को उर्दू लिखना नहीं आता और फखर से बोल रहे नहीं आता. आजकल देखे ना, हम लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं. हम लोग ये समझ रहे हैं जो इंग्लिश में बात कर रहा है वो बस वो टैलेंटेड है. और ये मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है हम सबके अंदर कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती हमारे घर की माओं के अंदर कि वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन जिसने इंग्लिश बोल दिया वो भी उसको बहुत बड़ा एजुकेटेड समझते हैं और जिसने नहीं बोला वो बेचारा डॉक्टर भी है तो रह गया मतलब हमारे माशरे में. और यहाँ पे जो मीम्स बनते हैं, यहाँ पे जो वीडियोस बनते हैं, हमारे खुद जाहिल कौम माइक लेकर, मैं एंकर पर्सन को कहना चाहती हूँ कि कितने सारे मैंने एंकर पर्सन देखे, कितने सारे मैंने ऐसे यूट्यूबर्स देखे जो उनका मजाक उड़ाते जिनको इंग्लिश नहीं आती. बेवकूफ़ इंसान, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे जबान ही उर्दू है, हम घर में अपनी मादरी जबान बोलते हैं, बाहर निकलते हैं तो अपनी अपना अपनी कौमी जबान बोलते हैं, तो ये जो तीसरी जबान है ये हमें तब सीखना चाहिए जब हम उस मुल्क में जाएं. भाई कोई उर्दू नहीं समझता, कोई बलोची नहीं समझता, कोई सिंधी नहीं समझता. ये जो है ना, बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर, आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम ससैयद यूनिवर्सिटी इन 2008 बैच, मगर मैं इंग्लिश को प्रीफर नहीं करता हूँ. मैं बोल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, समझ सकता हूँ, मगर मैं क्यों प्रीफर करूँ, मतलब मैं क्यों, मेरी जबान मादरी जबान उर्दू है. और हम जितनी मीटिंग्स करते हैं, सब स्कूल ऑनर्स हैं, कॉलेज ऑनर्स हैं, प्राइवेट कॉलेज, उर्दू में बात करते हैं. और भाई उर्दू आप, हम लोग मतलब मुझ समेत उर्दू हम कितने अल्फाज गलत बोलते हैं हमें पता ही नहीं है. मैं तो अभी उर्दू सीखी हूं. अच्छा देखें, हमने शुरू में, अब का मुझे नहीं पता बहरहाल लेटेस्ट क्या है, जब मैं स्कूल लाइफ में था. अच्छा सर, यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं, जमील शोहाज कब कनक लूटी बुलेदा. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हां चुने जमील, तो करवा शिमाचमा प्रोग्राम आ रहा है के सिग्नल मेगन इस से आओ मची कुछ प्रॉब्लम है की प्रोग्राम में हवाले हैं जी गोशक बेगे. अच्छा प्रोग्राम आचार के मची एजुकेशन के बारे गप्पे जमील वाना गुजान के बारे गप्पे बेहतरीन.
मुआने की तरह बात कर रहे हैं हम। अच्छा जमील मरागेश विचार ठीक है, बाज बाज मैंने तोड़ तुम्हारा कॉल को और उनको समझ में नहीं आया असल में, मैंने कहा ना कि कुछ प्रॉब्लम है तो सब कह रहे हैं कि भाई चैनल साफ नहीं आ रहा कुछ ऐसा है सिस्टम। हाँ तो अब कंटिन्यू। तो मैं आपको ये बता रहा था उस वक्त जब हम स्कूल लाइफ में थे तो एक हमारे सीनियर थे वो जर्मनी जा रहे थे उस दौर में, तो जर्मन सीख रहे थे वो। मैं आपको ये बता रहा हूँ मतलब कि अपनी ज़बान की वैल्यू उस मुल्क ने कितनी बनाई है। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि सर आप जर्मनी क्यों सीख रहे हैं, अरशद नाम था, मैंने कहा अरशद भाई आप जर्मनी क्यों सीख, कह रहे हैं भाई मैं जर्मनी सीखूंगा फिर एक टेस्ट होगा, अगर मैं उस टेस्ट में क्लियर होऊंगा तो मुझे जर्मन वीज़ा मिलेगा। अच्छा आप हमारे पाकिस्तान में क्या ये चीज़ है कहीं पर? नहीं। आप देखें हर यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज में आप इंग्लिश बोलें इंग्लिश बोलें, अरे भाई आप जिस मुल्क में रह रहे हो उसकी ज़बान को आप आगे बढ़ाओ। अच्छा सर यहाँ पे और कॉलर है हमारे साथ मस्कत से, नसीमा गपकर लूटी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, चोरे नसीमा। वालेकुम अस्सलाम मजूर अल्लाह हमारा सलामत बेटा। आमीन। आज के मेहमान मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम मिले। और बच्चों के बारे में जो आप लोग बात कर रहे हैं ना तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, मुझे अपने जमाने याद आ रहे हैं क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में थी शुरू में, तो मेरे को इतना मसला नहीं था ना, वहाँ की तालीम अलग है और हमारे मुल्क में जो ओमान की तालीम है वो तो अलग है क्योंकि यहाँ तो अरबी में बातचीत करते हैं और अरबी तालीम है और वहाँ उर्दू थी। शुरू शुरू में मुझे बहुत ही मुश्किल पड़ी क्योंकि बच्चों के बारे में ये सोचना था कि मुझे तो उर्दू आती है और बलोची और अरबी तो बिल्कुल भी नहीं आती, मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी स्कूल में जाकर यहाँ मदरसे में तालीम हासिल करूं ताकि मुझे भी इतनी तालीम आए ताकि मैं बच्चों से बात कर सकूं और अपनी बच्चों को थोड़ी सी सपोर्ट कर सकूं। तो मैं गया यहाँ स्कूल में, 3-4 क्लासें पढ़ी अरबी, तो अल्लाह ने करम किया मुझे बहुत ही अच्छी तालीम मिली और मैंने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी तालीम दी, अभी माशाल्लाह जामे में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। नसीमा मुझे तो मच्छी मरागे से चार गए चीजें सोच सरपति भी मन तो गौर में जी रहे हो शनि करण जी मार रहे भी बांदा दुनिया चला रही है। बिल्कुल बिल्कुल आज मैं बहुत सीख रही हूँ पाकिस्तान के बारे में और बच्चों की तालीम के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं ना तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि अभी ये प्रोग्राम बहुत से लोग देख रहे हैं क्योंकि उन लोगों को अगर मालूम भी नहीं है कि आजकल की तालीम कैसे चल रहे हैं और घर की रूटीन कैसे चलानी है, तो इसी बात पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत से लोग आप लोगों को देख रहे हैं और आपसे सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आप लोग वश चैनल में आए जितनी भी आप लोगों की तारीफ करें तो बहुत ही कम लग रहे हैं और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम बाज बाज मैंने तुआर नसीमा तुम्हारा कॉल को चूंकि मैं गप्पा थी पहला तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये तो एक अलग ही टॉपिक है ये जो तालीम और जबान में हमने कोई सब दोनों को हमने मिक्स किया हुआ है ना तालीम और जबान को, मतलब अगर आपको कोई जबान आती है तो आप तालीम याफ्ता है यानी कोई खास जबान। ठीक है उन मुल्कों को याद करें उन ममालिकों को याद करें जिन्होंने अपनी जबान को प्रमोट किया वो आज कहाँ पर हैं और हम आज कहाँ पर हैं, ऐसे आज तक ज़हनी गुलामी से हम निकले नहीं है ना सर नहीं होती है। अच्छा अभी हम फिर आते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, जैसे कि मैंने कहा ये तो बहुत ही अलग टॉपिक है। मैं एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ, मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने गई थी जब मैं 9th में थी, अब्बू ने ऐसे ही डाल दिया मुझे तो नहीं करनी थी कोर्स, मैं जब खड़ी हुई तो मुझे टीचर ने कहा कि स्पीच दो, मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है जब तो मैं सीखने आई हूँ। मैं खड़ी हो गई स्पीच देने तो जाहिर बात है मैंने कहा आई हैव बिग हेयर आई हैव, मैं कॉन्फिडेंटली कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन बच्चे हंस रहे थे, मैं हैरान हो गई, मतलब मैं हैरान हो गई लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ नहीं। मैं घर में जब आई तो मैंने अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू मैं तो फीस दे के सीखने जा रही हूँ इंग्लिश, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं सीखने जा रही हूँ, मुझ पर हंस क्यों रहे थे मुझे पता नहीं चला कि मुझ पर हंस क्यों रहे थे, मतलब आप लोगों की तरह मैं भी तो सीखने आई हूँ। तो मेरे अब्बू ने कहा वो एहसास कमतरी थी, तो जब मुझे उर्दू नहीं आती कोई मुझ पर हंसता है तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उस पर मैं खुद को ट्रेन करनी कर रही होती, लेकिन जब मुझे इंग्लिश नहीं आती कोई मुझ पर हंसता है मुझे उस पर हंसी आ जाती है। सही बात है। और ये हम सब जो है अगर मिसाल पर बीइंग एजुकेशनिस्ट हम सब जो है आप जो है
आप जो ये सब चीजों को जो है मतलब ये इसकी जो प्रीचिंग करेंगी तब जाके तब्दीली आएगी बिल्कुल, ताकि इनको अंदाजा हो कि भाई जो है तरक्की कामयाबी का जो है राज इंग्लिश में नहीं है। बिल्कुल जनाब, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, आज से आ गई है और एक ब्रेक का टाइम भी आ गया है। गुलजारों का जीने के साथ ब्रेक ही पदा शुद्ध मसाड़ी में मैं घूम बिता हूँ।